दोस्तों वेलकम है फ्लैटो फ्लैट पे। जैसे मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखाता था उत्तम नगर के अंदर, मीन उत्तम नगर के मैंने आपको 3 BHK 2 BHK और 1 BHK दिखाए थे, वैसे मैं आपके लेके आया हूँ द्वारका सेक्टर के अंदर 4 BHK फ्लैट, वो भी 210 गज के अंदर, सेक्टर 8 के अंदर आपको मिलने वाला है। दोस्तों पहले मैं फ्लैट की नियरेस्ट जो अपनी फैसिलिटीज रहने वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सामने आप देख सकते हैं मैं सभी फ्लैट के टेरिस पे हूँ। सामने आप देख सकते हैं IJ एयरपोर्ट आपको नियरेस्ट मिलने वाला है प्रॉपर पूरा, और सेक्टर 8 का मेट्रो स्टेशन आपको 300 मीटर डिस्टेंस पे मिलने वाला है, और पैसिफिक मॉल आपको नियरेस्ट मिलने वाला है। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे आपको SPG सिक्योरिटी गार्ड जो है, जो मीन्स अपने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी रहती है, वो आपको यहाँ पे नियरेस्ट मिलने वाली है। और मैं आपको सामने दिखाता हूँ, मीन्स अपना प्रॉपर आप ये ग्रीन एरिया देख सकते हैं, ये आपको मीन्स पूरा कंप्लीट करके देंगे, अभी पूरा ये कंप्लीट होगा, यहाँ पे आपका पार्क बनेगा प्रॉपर पूरा, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना मीन्स फ्लैट की फैसिलिटी। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन, फिर हम चलेंगे अपने 210 गज के अंदर फ्लैट के अंदर, मीन जो अपना 4 BHK फ्लैट रहने वाला है। तो पहले करते हैं छोटा सिनेमेटिक वीडियो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा फ्लैट। बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन, अब मैं आ गए हैं फ्लैट के अंदर जो अपना रहने वाला है 210 गज के अंदर 4 BHK फ्लैट। ये इसका आता है बहुत ही शानदार लिविंग एरिया स्पेस। अगर इसकी साइज की बात करते हैं दोस्तों तो 24x18 आपको ये साइज मिलने वाला है, मीन 24x18 का आपको ये लिविंग एरिया साइज पूरा मिलने वाला है। दोस्तों जैसे आप सिटिंग कर सकते हैं, मीन्स 11 सीटर सोफा आप लगा सकते हैं, प्लस अपना 6 टेबल में डाइनिंग टेबल अपना लगा सकते हैं 6 सीटर का। और मैं आपको दिखाता हूँ लिविंग एरिया से अटैच जो अपना रहने वाला है बहुत ही शानदार मंदिर स्पेस, क्योंकि हर क्लाइंट्स बोलते हैं कि मंदिर का स्पेस आप निकालते नहीं है, मगर 210 गज के अंदर हमने मंदिर का स्पेस भी आपको दिया है जो अपना लिविंग एरिया साथ में अटैच में रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके शानदार फॉल्स रिंग डिजाइन की। देखिए दो पार्ट ऑफ में हमने फॉल्स रिंग डिजाइन किया है स्क्वायर के अंदर, और लिविंग एरिया में हमने देखिए आप देख सकते हैं 4 फैंस इसके अंदर हम दे रखे हैं, इसे ओरिएंट के इसके अंदर हमने फैंस लगा रखे हैं, कॉब लाइटिंग एंड LED लाइट्स के साथ ये प्रॉपर पूरा फॉल्स रिंग डिजाइन दे रखा है। पहले मैं आपके इसके बेडरूम्स की डायरेक्शंस बताता हूँ, जो डायरेक्शंस आपको मिलने वाली है, मीन फ्रंट में आपको 2 बेडरूम मिलने वाले हैं, देन बैक में अपने 2 बेडरूम मिलने वाले हैं, और सबसे खास बात इसके अंदर आपको 4 वॉशरूम कंप्लीट मिलने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे अपना रहने वाला है स्पीड AC वायरिंग, ये आपको मीन कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो चलते हैं पहले इसके बैक में दोनों बेडरूम की साइड, पहले मैं चलता हूँ इसके फर्स्ट बेडरूम में जो इसका रहने वाला है अटैच वॉशरूम के साथ, और आपको मिलने वाली है बिग साइज की वार्डरोब। पहले साइज की बात करते हैं इसकी, तो 12x16 का पूरा बेडरूम साइज आपको ये मिलने वाला है, बहुत ही शानदार बेडरूम साइज आपको ये मिलने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल वार्डरोब हमने बना रखी है, 9 फुट तक का पूरा इसका हाइट दे रखा है वार्डरोब का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन आपको ये मिलने वाली है इस वॉशरूम के अंदर से, और यहाँ पे आपको स्वीट AC वायरिंग भी कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो ये साइज रहने वाला है अपना वॉशरूम का, ये देखिए प्रॉपर पूरा अपना वॉल टू वॉल 9 फुट तक पूरा टाइलिंग कर रखा है, बाथ फिटिंग पूरा कंप्लीट आपको मिल रहा है, गीजर प्रोविजन आपको दे रहे हैं, मीन गीजर आपको लगा के दे रहे हैं, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आप एग्जॉस्ट कंप्लीट करके देंगे दोस्तों। तो ये था अपना फर्स्ट बेडरूम, मीन अपना मास्टर बेडरूम जो आपको मिलने वाला है। अब चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम में, जो सेकंड बेडरूम भी अपना अटैच वॉशरूम रहने वाला है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका कॉमन वॉशरूम, मीन्स अपना ये ड्रेसिंग एरिया अपना रहेगा प्रॉपर, आप अपना ड्रेसिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको स्टोर रूम टाइप यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको अभी कम्प्लीटली वॉशरूम यूज़ नहीं कराया है, मीन्स कम्प्लीट नहीं करके दे रहे हैं। अब आ गए अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ, अगर सेकेंड बेडरूम के डायमेंशन की बात करते हैं दोस्तों, तो सेकेंड बेडरूम का जो डायमेंशन आपको मिलने वाला है वो 12x14 का पूरा डायमेंशन मिलने वाला है। और इस रूम में आपको देखिए स्क्वायर के अंदर पूरा फॉल्स रिंग डिजाइन आ जाता है, और यहाँ पे आपको कम्प्लीटली वार्डरोब मिलने वाली है, ये देखिए इसके अंदर भी हमने आपको कम्प्लीट वार्डरोब दी है, मीन्स 9 फुट तक पूरा वार्डरोब आपको मिलने वाला है। और इस रूम के वेंटिलेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक कम्प्लीट शॉफ्ट एरिया मिलने वाला है, यहाँ पे भी हमने डोर लगा रखा है शॉफ्ट एरिया का, और इस रूम में आपको एक कम्प्लीट वॉशरूम मिलने वाला है, ये आपका वॉशरूम स्पेस रहेगा। वॉशरूम जो स्पेस है बहुत ही शानदार स्पेस आपको मिलने वाले हैं, कंप्लीटली वॉशरूम आपको कंप्लीट करके दे रहे हैं, गीजर का प्रोविजन आपको करके दे रखा है, बाथ फिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया, शावर पॉइंट हो गया, वॉश बेसिन स्पेस हो गया, आपका सिटिंग होगी, सारा कुछ कंप्लीट आपको वॉशरूम में मिलने वाला है दोस्तों। तो ये थे मेरे बैक के दोनों बेडरूम। अब चलते हैं इसके लग्जरी किचन के अंदर, मीन्स 210 गज के अंदर जो अपना
किचन स्पेस रहने वाला है इसका। आप देख सकते हैं मीन्स अपने दोनों बेडरूम से मैं अपने फ्रंट में निकला, ये अपना प्रॉपर पूरा शानदार लिविंग एरिया स्पेस आ गया। प्लस आपको आपका मंदिर का स्पेस मिलने वाला है और यहाँ पे आपको मिलने वाला है बिग साइज आपको किचन आपको ये मिलने वाली है दोस्तों। मतलब यू शेप अपना प्रॉपर पूरा किचन स्पेस आ जाता है। और सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, प्रॉपर विंडो वेंटिलेशन मीन्स आपको वेंटिलेशन यहाँ पे मिलने वाली है। प्रॉपर यूपीसी की विंडो में इसके अंदर कंप्लीट करके देने हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलने वाला है किचन का। और यहाँ पे हम आपको चिमनी का पॉइंट्स कंप्लीट करके देंगे। और इसके अंदर हमने बना रखी है यहाँ पे आपका पेंट्री, यह आपको प्रॉपर कंप्लीट पेंट्री मिलने वाली है दोस्तों। और यहाँ पे हम आप देख सकते हैं सिंक एरिया जो दे रखा है हमने, डबल सिंक एरिया दे रखा है मीन्स वॉशिंग एरिया के लिए। और यहाँ पे आप अपना आरओ फिटिंग मीन्स कर सकते हैं, यहाँ पे हमने प्रॉपर मीन्स आपको मॉडुलर किचन रेडी करके दे रहे हैं दोस्तों। तो ये था अपना बहुत ही शानदार यू शेप किचन स्पेस। अब चलते हैं इसके बेडरूम में जो अपना रहने वाला है थर्ड बेडरूम। पहले मैं डायरेक्शन आपको बताया था दोनों बेडरूम्स की, देन मेरा लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पे दोनों बेडरूम्स मिलने वाले हैं और दोनों बेडरूम से आपको कम्प्लीटली बालकनी स्पेस मिलने वाला है। तो अब चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ जिसमें आपको अटैच वॉशरूम कंप्लीट मिलने वाला है। तो दोस्तों हमने एंटर कराया था अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, अगर डायमेंशन की बात करते हैं इसकी तो 12x16 का पूरा आपको बेडरूम साइज ये मिलने वाला है दोस्तों। और इससे अटैच मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी स्पेस जो आपको कम्प्लीटली मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यूपीवीसी विंडो इसके अंदर हमने दे रखी है कम्प्लीट, जो आपको वेंटिलेशन मिलने वाली है। और ऊपर देखिए फॉल्स सीलिंग डिजाइन स्क्वायर के अंदर कितना शानदार इसको मिस लुक दे रहा है इस बेडरूम को। और इस रूम में आपको मिलने वाला है कम्प्लीटली स्पीड एसी वायरिंग। अब चलते हैं अपने वॉशरूम स्पेस की तरफ, ये आपको कंप्लीट वॉशरूम स्पेस मिलने वाला है। देखिए आपको थ्री रूम्स के अंदर कंप्लीटली आपको वॉशरूम मिलने वाले हैं। वॉल टू वॉल अपना 9 फुट तक पूरा टाइलिंग कंप्लीट रहेगा। यहाँ पे आपको वैनिटी स्पेस मिलने वाला है, शावर पॉइंट आपको मिलने वाला है, गीजर का प्रोविजन आपको करके देंगे दोस्तों। और इस रूम से बड़ी शानदार आपको वार्डरोब दिखाते हैं, इस रूम से जो अटैच अपनी वार्डरोब रहने वाली है, ये आपको कंप्लीटली वार्डरोब मिलने वाली है। देखिए जो इसको मीन स्पेस आपको कंप्लीट देख सकते हैं अपना 9 फुट तक पूरे जो हाइट आ रहा है इसका हाइट आपको कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था अपना थर्ड बेडरूम। अब चलते हैं अपने फोर्थ बेडरूम की तरफ जो उसका मीन्स अगर डायमेंशन की बात करते हैं फोर्थ बेडरूम की, तो फोर्थ बेडरूम का जो आपको डायमेंशन मिलने वाला है दोस्तों 10x12 का आपको डायमेंशन मिलने वाला है। ये कम्प्लीटली अपना फोर्थ बेडरूम रहेगा, ये देख सकते हैं कितना शानदार स्पेस आपको मिलने वाला है। 10x12 का पूरा बेडरूम साइज आता है अपना। और यहाँ पे आपको कम्प्लीट वार्डरोब मिलने वाली है, हर रूम में के अंदर आपको कम्प्लीट वार्डरोब करके दे रहे हैं। और इस रूम से भी आपका प्रॉपर पूरा बालकनी स्पेस रहेगा, आपको कम्प्लीट विंडो दे रहे हैं इसके अंदर। और इस रूम में आप देख सकते हैं स्क्वायर के अंदर पूरा फॉल्सलिंग डिजाइन आता है अपना। और यहाँ पे आपको स्पीड एसी वायरिंग भी मिलने वाली है। अब चलते हैं अपने बहुत ही शानदार बालकनी स्पेस में जो आपको दोनों रूम से अटैच बालकनी स्पेस मिलने वाला है। बालकनी की बात करते हैं दोस्तों, तो बालकनी जो स्पेस मिलने वाला है वो आप देख सकते हैं कितना शानदार बालकनी स्पेस आपको मिलने वाला है जो दोनों रूम से हम प्लस अपना सेंटर किचन से अटैच रहेगा। प्रॉपर वेंटिलेशन में आपको ये बालकनी स्पेस मिलने वाला है। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको सिनेमेटिक वीडियो में दिखाया था मीन्स आपकी जो नियरेस्ट जो अपने फ्लैट के नियरेस्ट जो आपको इन्विटीज मिलने वाली है, मीन्स आपको जो फैसिलिटीज मिलने वाली है, IGI एयरपोर्ट आपको मिलने वाला है, ग्रीन एरिया आप कंप्लीट देख सकते हैं मीन्स पार्क एरिया आपको मिलने वाला है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मिलने वाला है। और फ्रंट साइड रोड भी आप देख सकते हैं कितना शानदार रोड आपको ये कंप्लीट मिलने वाला है दोस्तों। तो ये था अपना 210 गज के अंदर 4BHK फ्लैट जो उसमें आपको SBI लोन भी करके देगा, आपका एक्सिस बैंक भी लोन करेगा, SDFC भी करेगा और ICICI भी यहाँ पे लोन करेगा दोस्तों। 210 गज का 4BHK के लिए आपके रेडी कर दिया है द्वारका सेक्टर 8 के अंदर दोस्तों। अगर इसकी आपको विजिट करनी है, बुकिंग करानी है, तो जल्दी से कॉल कीजिए इस नंबर पे जो आपको नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। बहुत ही शानदार फ्लैट रेडी किया है 210 गज का 4BHK फ्लैट। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे द्वारका सेक्टर के अंदर ही या फिर उत्तम नगर के अंदर, क्योंकि सबसे कम बजट में फ्लैट रेडी करता है उत्तम नगर। और द्वारका में भी अब अपना हाथ जमा लिए, तो द्वारका में भी आपके लिए फ्लैट लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, नमस्कार।